से बारिश वाला मौसम हो गया और इधर को तो इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है, तो साइड में जल्दी खाने के काम है और फिर जाने के भी है क्योंकि दूर है। तो खाने में जो जो बना है फटाफट खा लेते सही में, क्योंकि फिर बारिश ही आने वाली है भाई। का महीना, इतनी ज्यादा ठंड हो रही है ना, पूरे हाथ मेरे अकड़ गए थे ठंड के मारे। और दूसरा क्या था कि ये रेनकोट ने मेरा काम चलाया ऊपर से, और लकीली हुआ क्या कि तो जी आज वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हम कशलेक एरिया से, यानी कि धारी ब्लॉक से। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में इन देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से नज़ारों के साथ। और आज दो दिन हो गए लगातार बारिश के साथ, और आज हम एक नया वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं दिन के 1 बजे से। तो हमारा प्लान था कि हम काम करने के बाद जाएंगे, इधर कहीं शादी है, गांव का नाम गजार है, वो आगे आपको पता चलेगा। तो वहां हमें ना इनविटेशन मिला था, तो हम वहां जा रहे हैं, तो आपको भी दिखाएंगे। और बारिश ने ना इतना गड़बड़ कर दिया, उन लोगों की इतनी सारी तैयारी हो रही होगी, लेकिन सारी तैयारी बारिश ने खराब कर दी है। लेकिन अभी तो फिलहाल थम चुकी है और इतना खूबसूरत सा लग रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। हेलो हाय नमस्ते प्रणाम आप सभी को, होप करती हूँ कि सबके सब सही होंगे और हम भी ना एकदम बढ़िया हैं। तो ले चलते हैं आपको शादी में। आज है महिला संगीत, 3 दिन का प्रोग्राम है, पर हम सोच रहे हैं कि आज हो आते हैं, तो देखते हैं वहां का कैसा माहौल हो रहा है। और फिर पहाड़ में क्या होता है ना, बारिश होती है तो फिर फदीता भी उतना ही होता है, क्योंकि दिक्कत हो जाती है। और हम तो बस ऐसे ही तैयार भी नहीं हो गया है, हम डेली जैसे ऑफिस आते हैं वैसे ही आए हैं और ऐसे ही जा भी रहे हैं। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको। तो ये है शादी में जाने के लिए पैदल रास्ता, और साथ में आई है गंगा दी। और आज हमें इतनी ठंड हो रही है ना, गर्मी के दिन में देखो हमारी जैकेट और शॉल वगैरह सब कुछ है लेके आए हैं, और बारिश ने पूरा तहलका मचा रखा है, पूरे पत्ते वत्ते बह के आ रखे हैं। वही तो जी ये है शादी वाला घर, और यहां से लेके ना नीचे तक टेंट लगा रखा है, पर यही होता है कि बारिश में बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो ही जाता है। तो फिलहाल रुक जाएगी तो कम से कम इनका काम निपट जाएगा ना, बड़ी आफत होती है। और सामने का ना नजारा कुछ ऐसा दिख रहा है अभी है ना। तो यहाँ पहुंचते ही हल्दी हो चुकी है, और यहाँ पे हो रहा है अभी संगीत, तो आपको दिखाएंगे अभी हम थोड़ी देर में, क्योंकि ना यहाँ पे थोड़ा इनका स्पेस है तो आराम से इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं यहाँ पे। तो हम पहुंच चुके हैं महिला संगीत में, तो टीका भी लगा रहे हैं महिला संगीत वाला, रेजमी भी बढ़िया करके तैयार हुई है, सारे लोगों ने ना येल्लो ड्रेस पहना। तो ऊपर चल रहा था महिला संगीत, और अब आ गए हम खाने के लिए। तो खाने में जो जो बना है फटाफट खा लेते सही में, क्योंकि फिर बारिश ही आने वाली है भाई। तो हम लागे हैं खाना, और जबरदस्त बारिश वाला मौसम हो गया और इधर को तो इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है, तो साइड में जल्दी खाने के काम है और फिर जाने के भी है क्योंकि दूर है ना यहाँ से। ये हेलो पीहू, हेलो, बच्चे लगे हैं यहाँ पे खाने में, एक छोटी उधर वो खा ली है ना, उधर ही को देखिए। वही तो फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, चलो हमने तो खा लिया, लेकिन कितना फदीता हुआ यार, ये बारिश में कुछ नहीं हो सकता। वापस आ चुके हैं हम शादी वाले घर से, और ना सच में बहुत जाड़े से थी, हालत खराब हो गई। ये देखो मतलब अभी भी बारिश नहीं रुकी है, लेकिन वहाँ इतना अजीब हो रहा है ना, क्योंकि कुछ भी कैसा होता है फिर शादी में आप समझ सकते हो, एक तो बाहर अंदर बारिश ही बारिश हो रही थी। तो जैसी मतलब कि महिला संगीत स्टार्ट हो रहा था,
तो वैसे लाइट भी नहीं थी वहाँ, मतलब फिर इंतजाम कर दिया था, लेकिन अभी चल रहा है क्योंकि ये तो लोकल के हैं, चल जाएंगे। हमें दूर जाना है तो हम तो ऐसे भीगते भागते जाएंगे भाई। अब ये देखो अभी भी ना बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है भाई अभी भी। पूछो तो हम पहुंच चुके हैं कच्छा लेक मार्केट में। यहाँ है हमारा हेलमेट, अच्छा है मेरा पसंद निकाल के। हाँ तो इधर रखा था हमने हेलमेट। और तो कुछ ऐसा हो रहा है मौसम, और मैं मिलती हूँ आपको घर जाने के बाद, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है ना, तो इसको मैं अंदर बैग के अंदर पैक करूंगी। और ये रही स्कूटी, तो स्कूटी से जाना और भीगना है शाम तक, तो 6 बजे बारिश बंद होगी शायद, तब तक तो निकल ही जाऊंगी। तो फिलहाल मैं पहुंची हूँ आधे रास्ते में, और अभी मौसम देखिए कुछ ऐसा हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो चलते हैं फिर और मिलते हैं आपको सीधा घर। तो जी 20 किलोमीटर की राइड कंप्लीट करने के बाद मैं पहुंच गई हूँ घर फाइनली, और हाथ देख सकते थे लाल हो गए ना। और मई का महीना, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, पूरे हाथ मेरे अकड़ गए थे ठंड के मारे। और दूसरा क्या था कि ये रेनकोट ने मेरा काम चलाया ऊपर से, और लकीली हुआ क्या कि बारिश रुक गई थी, जैसे हम आधे रास्ते में आए तो बारिश रुक गई। और ठंड की तो पूछो मत, मतलब मई का महीना चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वही दिसंबर जनवरी वाला होगा, क्योंकि हाथ अकड़ गए थे सही में गाड़ी चलाते चलाते। और तो पहुंच गए हैं घर, सबसे पहले पियेंगे चाय। और होलिया तो आप देख ही सकते हो कि इतनी ठंड हो रही है, तो इसलिए ये सारा सॉल वॉल बांध रखा है मैंने ठंड से बचने के लिए। और आज सबसे पहले क्या करना है कि खाना वाना जल्दी बनाना है और फिर टाइम पे सो जाना है, ऐसा करना है। तो फिलहाल पहुंच गए हैं घर अच्छे से, तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करेंगे और मिलेंगे आपको अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और जय देवभूमि उत्तराखंड।